कुछ घर इस साइड को हैं, कुछ यहाँ पे सामने। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और यहाँ से धूप जाने वाली है, कुछ टाइम बाद इधर से धूप निकल जाएगी। और अभी मैं हूँ सिरकोट गांव में, ये सामने देख सकते हैं आप, ये पूरा गांव है, कुछ घर इस साइड को हैं, कुछ यहाँ पे सामने। और ठीक सामने वाले पहाड़ पे जो घर हैं उसको असरकोट बोलते हैं। सामने वाले जंगल में आग लगी हुई है सुबह से, तो धुआं धुआं सा हो रखा है। और ऊपर दंडेवल साइड के जंगलों में आग लगी हुई है भयंकर, तो आप देख सकते हैं पूरा धुआं धुआं सा हो रखा है। और अभी आग दाथा गांव के सामने जो चौंतकोट गढ़ी है वहां पर भी लग चुकी है। तो चारों ओर आजकल जंगलों में लोग आग लगा रहे हैं। और यहाँ से रास्ता जा रखा है लुइठा गाँव के लिए। लुइठा गाँव इस वाले पहाड़ के जस्ट पीछे साइड को है, और कुछ टाइम पहले भी आ रखा था मैं यहाँ पे। ये मेरी बुआ का घर है जो कि कुछ दिनों के लिए घर पे आ रखे हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित नेगी और स्वागत है आपका देव उत्तराखंड के सिरकोट गांव से। सामने किमगढ़ी गाँव में आज फाइनल मैच चल रहा है, तो खाना खा के निकलते हैं उस साइड के, या तो फिर वहाँ जाना कैंसिल कर देंगे। वैसे आज मैं घर जा रहा था और शादी हो रही है सड़कहाल मार्केट के सामने, तो वहाँ पर भी बुकिंग आ रखी है डीजे की। तो मेरे दोस्त है एक, उसने मेरे को वहाँ पे बुला रखा है, तो वहाँ पे चलेंगे कुछ टाइम बाद 2 या 3 बजे। और इधर ऊपर साइड को सिरकोट गांव के खेत हैं। कुछ खेतों में यहाँ पे लोगों ने खेती कर रखी है और कुछ खेत बंजर हैं। ये ऊपर बहुत घना जंगल है बांस के पेड़ों का। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और तैयारी है सिरकोट गांव से निकलने की। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको सिरकोट गांव दिखाता हूं। और अच्छी बात यह है कि इस गांव से बहुत ही कम पलायन हुआ है। अभी प्रेजेंट टाइम में इस गांव में 90 परिवार रहते हैं और बहुत कम मकान ऐसे हैं जो पलायन की वजह से खाली हुए हैं। पूरा गाँव भरा हुआ है। और यहाँ से ठीक सामने चरघाट गांव, नीचे छोटा सा मार्केट है जो आप देख सकते हैं, और उसी के बगल में है चोपड़ा गांव। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे बसा हुआ है। और यहाँ से किमगढ़ी गांव भी दिखता है, बहुत सारे गांव हैं उस साइड को। तो मैं पैदल पैदल लगा हूँ सड़कहाल की ओर, और दोस्त आ रहा भी मेरा बाइक लेके, दोस्त की वीडियो कॉल आ रखी थी तो रास्ते का पता चला ही नहीं। सिरकोट गांव मैंने पार कर दिया है, अभी मैं लुइठा गांव में पहुंचने वाला हूं। इस साइड को थोड़ी सी तेज़ धूप लग रही है और इधर बहुत सारे खेत हैं सिरकोट गांव वालों के, लेकिन खेती बहुत कम होती है, सब जगह लोगों ने घास काट रखा है। मुझे लगा यहाँ से सामने ही इस मोड़ के बाद लुइठा गांव होगा, लेकिन यहाँ तो अभी मंदिर है, उसके बाद है लुइठा गांव। 1 से 2 किलोमीटर होगा यहाँ से। और मेरे पास मेरा बैग भी है जिसमें मेरी ड्रिल मशीन है। थोड़ा सा भारी हो रहा है बैग, थोड़े बहुत कपड़े हैं उसमें। नीचे है हमारी मसलाट नदी और सामने देखिए कितनी अच्छी खेती कर रखी है, सारे खेत आबाद कर दिए हैं इसने भी किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सेड़ाधार, शाम के 5 बज चुके हैं। आज यहाँ पे शादी है, न्यूतेर है, तो बुकिंग मिली हुई है यहाँ पे। पलायन के से ये गांव भी खाली हो चुका है, बहुत कम परिवार हैं जो गांव में रहते हैं। ये देखिए आप कितना भयंकर जंगल जंगल बना हुआ है,
जय भैरवनाथ, जय हो भैरव बाबा की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और आज मैं सेड़ा धार में हूँ, गांव में। बारात आ रही है, यहाँ पे बारात आने वाली है, रोड पे पहुँच चुकी है, कुछ टाइम बाद ऊपर घर पे पहुँच जाएगी। और हम यहाँ पे टेंट का काम कर रहे हैं, ये देखिए आप, ये नाश्ता थोड़ा सा लगा रखा है हमने यहाँ पे बारातियों के लिए। इधर बैठने की व्यवस्था है और बारात आने वाली है बस कुछ देर में। तो कल आ गए थे हम यहाँ पे डीजे बजाने के लिए।